लटेरी के ग्राम पंचायत धनवास में एक अमृत सरोवर के गायब होने की शिकायत ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा की गई है। ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच और इंजीनियर पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा अमृत सरोवर के निर्माण के नाम पर 18 लाख रूपये की राशि निकाली गयी। 19 लाख रूपये की राशि इस अमृत सरोवर के लिए स्वीकृत की गयी थी। ग्रामीणों ने अमृत सरोवर के निर्माण कार्य की जांच की मांग करते हुए इसके लिए आवेदन स्थानीय जनपद पंचायत सीईओ को दिया, लेकिन जनपद सीईओ द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, अनुविभागीय अधिकारी लटेरी को आवेदन देकर निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। धनवास पंचायत में अमृत सरोवर को लेकर कोई शिकायत की गई है, क्या है मामला? जी, धनवास में मनरेगा योजना अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत हुआ था, जो कागजों में बनाया गया है, मौके पर कोई काम नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी को 19 जुलाई को आवेदन एक शिकायती आवेदन दिया था। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें सीओ साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कार्रवाई करेंगे। फिर इसके बाद आज हमने पुनः एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है, लेकिन उसी संबंध में जांच कराई। क्या कार्रवाई चाहते हैं आपके? उसमें मनरेगा योजना अंतर्गत जो तालाब स्वीकृत हुआ है वो धनवास में बनना चाहिए जी। अगर तालाब नहीं बनाते हैं, फर्जी राशि निकालते हैं, तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई। कितनी राशि निकाली गई है? लगभग 18 लाख रुपए की राशि निकाल गई है। कौन है सरपंच और सचिव? सरपंच रामबाई शर्मा है और सचिव दलपत सिंह जाट है। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।